आज हम आपको एक ऐसे फार्म पर लाए हैं जहाँ की हर गाय 70-75 लीटर दूध दे रही है। इसका श्रेय जाता है महल डेयरी फार्म के संचालक शरणजीत सिंह को। कहते हैं कि काम ऐसा करो जिसे देखकर हर कोई दांतों तले अंगुली दबा ले, यानी हैरान हो जाए। आज जिस गाय की मिल्किंग हम करा चुके हैं उसने 76.360 ग्राम दूध दिखाया है। उसका कैमरे के सामने 3 बार दोहन किया गया है। पहली बार प्रातः काल 26.360, दूसरी बार बाद दोपहर 22.730, तीसरी बार सायंकाल 27.270 लीटर दूध निकाला गया है, जबकि पिछले दिनों करवाए गए मेले का कीर्तिमान 74.400 लीटर रहा है। शरणवीर बताते हैं कि ये चैंपियन गाय है। वो इसको मेले में भी लेके गए थे। मौसम की मार ने इसकी किस्मत को धो डाला। बीमारी की हालत में मुकाबले में भाग नहीं ले सकी। शरणजीत सिंह ने इस एचएफ को ऑयला डेयरी फतेहगढ़ साहब के अमनदीप से खरीदा था। 6 साल की आयु में ये 3 बार ब्याह चुकी है। इसने तीनों बार बछड़ियां ही जन्मी है। इसकी पहली दो बछड़ियां पहली और दूसरी ब्याह में 40 से अधिक लीटर दूध दे रही हैं। ये खुद बेरका के 472 सीमन की पैदाइश है, जबकि इसको आयुष का सेक्सुअल सीमन लगाया गया था जिससे बछड़ी ही आई है। हमने पूछा कि इसका नाम कमली क्यों रखा, तो बताते हैं कि इसको खुद ही नहीं मालूम इसको कितना दूध देना है। इसके दूध का कोई हिसाब नहीं है। कभी 5 लीटर बढ़ा देती है तो कभी 5 लीटर कम कर देती है। इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम तो हमने कमली रख दिया जी। कमली रख दिया। हाँ जी। तो दूध देने भी कमली है जी। अच्छा। हाँ जी। पता नहीं कितना दे दे। पता नहीं, कुछ नहीं पता लगता इसका। कितनी ब्याह था इसकी? तीसरे ब्याह था जी। यार वो भी तीसरे में थी, ये भी तीसरे में है। हाँ जी। तो वो इस बड़ी कसी हुई है। बॉडी स्ट्रक्चर का अड्ड है, अपना अपना स्टाइल है सबका। ये कौन से सीमन की है? ये बेरका का सरकारी सीमन था, 472 उसकी है। उसकी है। कितना दूध देती है इसका? आज सुबह का हमने मिल्किंग की थी 26.360 था, दोपहर में 22.730, अभी शाम को देखते हैं कितना देती है। 70+ चलती है जी। 70 से ऊपर कर रहे हैं? हाँ, 70 के प्लस चलती है। 70 लीटर देती है। हाँ जी। और एक ब्यांत में कितने दिन तक देगी दूध? एक ब्यांत में ये देगी
तकरीबन वही, बस अपने आप ड्राई करना पड़ता है, ये होती नहीं है, ये तो बहुत औखी ड्राई होती है। कितने महीने पहले छोड़ते हो? ये 50 दिन पहले। हाँ 50 दिन पहले, जी, मतलब 300 दिन जो है, 315 दिन दूध हाँ, दे तीन देती सौ है। पंद्रह दिन दूध बड़े आराम से देगी। तो जब पीक पे होती है 70 पे है, हाँ, सत्तर और ड्राई प्लस पे कितने में करते हो? ड्राई, कम से कम 27-28 लीटर में। 27-28। हाँ अब ये जी, कब की ब्याई हुई है? अब आज इसको 60 दिन हो गए। 60 दिन हो गए, हाँ जी, पूरा अब पीक पे है। पीक है ये। तो कौन से सीमन इसको लगा था? इसको लगा था सेक्सड आयुष, आयुष का। आयुष का। उम्र इसकी कितनी होगी? उम्र इसकी 6 साल हो। वजन का अंदाजा है? वजन है 7 क्वांटल 54 किलो। और जो मैसी वाली उसका कितना है? उसका भी 7 क्वांटल 50 किलो। हाँ 7 गुना 50 किलो। जी, तो अपने बयान से 3 गुना दूध ये दे देती है एक हाँ साथ, जी, एक महीने में हाँ जी, ये है? 3 महीने तो, से भी ज्यादा हो गया। हाँ जी, तो 70 की है, हाँ जी, हाँ अपना 7 क्विंटल की है, तो 7 * 21 जी, वो इतना दूध दे देती हाँ है। जी, हाँ। तो कितने दूध हो जाता है आपके यहाँ? ये 3 गायें देती है मेरे पास, 2 क्विंटल दूध हो जाता है। 2 क्विंटल? 3 गाय, हाँ जी, 2 क्विंटल। 2 क्विंटल 24 घंटे का। अच्छा, हाँ जी, तो बेर का हो जाता है? प्राइवेट दो जी लेके जाना है मेरे पास। अच्छा, प्राइवेट। हाँ जी, तो प्राइवेट क्या रेट था? बेर का वो से फेंट जितना दे लगता है। हाँ फैंट से लगता है। जी, जितनी फेंट आ जाए, 3-0 आ जाए, 3-3 आ जाए, वो फेंट के मुताबिक लगेगा। अच्छा, गाय का जो आमदन होती है, हाँ जी, खेती खेती को सहारा मिलता है? को सहारा मिलता है। नहीं कहीं मांगने नहीं पड़ते नहीं हैं? नहीं नहीं, नहीं, कहीं कोई ब्याह शादी आ जाए, नहीं, बच्चों नहीं, का कुछ सब नहीं, यही सार देती है, यही काम चला यही जाता है। चला देती है। तो कितना दूध हो जाता है आपके पास? मेरे पास 3 गाय दूध दी है, तीनों गाय का 2 क्वांटल दूध है। हाँ, 2 क्विंटल से ऊपर निकल जाता ऊपर है? ही जाता है, नीचे नहीं, ऊपर ही रहता है। अभी तो उसको एक और सुई भी, आज 9 दिन हुए, अभी तो उसने और बढ़ना है। हाँ अभी और बढ़ेगी। जी, तो अब जब प्रेग्नेंट करते हो तो हाँ कौन जी, से महीने का ध्यान रखते हो कुछ? हाँ, अभी बस यही 10वें महीने जाके, 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने जाके ब्याह तो अच्छा इस है, हिसाब इस से करते हो? हिसाब से करते हैं। अजय फरवरी में कर दोगे? हाँ, फरवरी, जर्मनी, फरवरी, ये महीने में प्रेग्नेंट हो जाए जनवरी बढ़िया। फरवरी मार्च में, हाँ, मार्च में, ये 3 महीने 3 महीने बढ़िया है बढ़िया है। हाँ भाई। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात ये बता रहे हैं कि अगर सर्दी में भी आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा दूध होगा और सेहत अच्छी रहेगी। और उसके लिए जो है 9 महीने कम करके आप अंदाजा लगा लो, उस हिसाब से सीमन देना है खुराक इनको। तो अब खुराक क्या देते हो फिर? फीड देते हैं, बढ़िया फीड में माँ का ही। जो 70 किलो देती है हाँ जी, तो उसको कितनी फीड चाहिए वो कम से कम 20+ दाना चाहिए, 20-22 किलो दाना फीड लागी, चाहिए उसको? ताँ दूध देगी इतना। अच्छा, बाजार से खरीदते हो या अपना बनवाते हो? अपना बनवाते हैं। हाँ अपना बनवाते हैं। जी, क्या क्या चीज मिलाते हो? वो फार्मूला है मेरे पास, वो दे देंगे हम। हाँ अच्छा, वो फार्मूला है, वो दे जी, दोगे।
मैं आज आपको एक ऐसा डेयरी फार्म दिखा रहा हूँ पंजाब में, जिला लुधियाना का कस्बा मछीवाड़ा के पास में, शरणजीत सिंह, जो बहुत ही हाई क्वालिटी की गाय पालते हैं। इन्होंने आज हमें मिल्किंग करवाई है और तीन गाय की मिल्किंग हमने की है, एक एक करके आपको दिखाएंगे भी। लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से विश्वास होगा कि 20-25 गाय जो अच्छी अच्छी पालते हैं उनका दूध भी इन चार के बराबर नहीं होता है। तीन गाय इनकी आजकल दूध पर है जो 2 क्विंटल से भी अधिक दूध देती है। अब आप अंदाजा लगा लो इससे इनकी मेहनत का। सारे सज्जन मित्र आए हुए हैं जो इस बात का गवाह हैं, तो हम इनकी जवानी भी आपको बताना चाहेंगे, शरणजीत की जवानी भी आपको बताना चाहेंगे, और आंखों से भी दिखा रहे हैं, तौल के भी दिखा रहे हैं। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो फिर उसका तो खुदा मालिक है। सत श्रीकाल जी, क्या नाम है? मनजिंदर सिंह जी, सत श्रीकाल जी, संतोष अपना नाम है? सिंह संतोष सिंह, मनजिंदर सिंह। जी, वो भैंस आपकी है? 51 लाख की? ओ सिंह, पोहितर सिंह। अच्छा ये मेरे मामा जी हैं, अच्छा बोलो। सुशील बुढ़ेरा, शरणजीत सत जी आ गए। रणजीत हाँ जी, रणजीत सिंह सिंह, लवप्रीत लवप्रीत। आप, आज हम लोगों ने इनकी मिल्किंग करवाई है, हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी जवानी बताएं कितना दूध निकला है 27 लीटर 270 एक टाइम का? हाँ, एक टाइम तीन वैसे कितना दे देती है? टाइम चाहते हैं जी, कितना दे देती है 3 टाइम में? 70-70 लीटर देंगे। इससे हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खेती करते फार्म हैं, है आपका? फार्म है, पशु पशु भी रखते हैं? भी कितने है, दूध वाले हैं? साढ़े को तो थोड़े घट दो दाड़े जी, इतने दूध वाले कहीं और देखे आपने? नहीं देखे, दे? नहीं देखे, आपने देखे? नहीं, नहीं। अकेले ही हैं? अच्छी कैसा लगता है आपको फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मिलनसार है। बहुत बढ़िया। तो दूसरी गाय की जो मिल्किंग करवाई आपने, तो हाँ जी, जो कितना दूध निकाला उसने? अभी दिया जिसने, जिसका हाँ नाम कमली रखा है, उसका हाँ 27 किलो 217, पहले पहले, दोपहर में हुआ उसका, इसी कमली गांव का हुआ था 22,730, और सुबह का सो हुआ था 26,360। हाँ, अच्छा कितना हो गया? ये हो जाना ही, टोटल ला के दे लो 74-75 किलो। 74-75 का हो हाँ, गया। तो क्या कहेंगे अब इनके लिए? क्या नाम है आपका? रंजीत मेरा नाम रणजीत सिंह है, सिंह। हाँ, रोड़े डेयरी फार्म है, फार्म। डेयरी फार्म अपना। अच्छा, कितनी गाय मेरे रखते हैं आप? पास है 100 दे तकरीबन, इतना कुल्ला कितनी दूध होता है? हुंदा अपने रख लो, जिवें इन्हां तो अस लैके भी गए हैं, हाँ 50-60-65 तक भी अपने को, अच्छा, 40 रख लो भी, एवरेज 35 के गेड़ चल जाता। आप कब से कर रहे हैं ये काम? मेरे तो हो गया ही कम से कम 2,000 हो गया, 2,000 से, 2000 हाँ से, यहाँ दो मतलब हजार ये आपसे बात शुरू हुई? मेरे नु भी हो गया कम से कम 10-12 साल हो गए मेरे से कनेक्ट अच्छा, करे, तो रख लो, मैं इसके पास गया ले भी ना, पहले डेयरी के काम को कितना अच्छा समझते हो आप खेती के मुकाबले? खेती मुकाबले तो अच्छा ही, बहुत बढ़िया है, रख लो भी 6-7 दिन बाद पैसे आ जाते हैं, वो 6 महीने बाद अपना फसल का, ये फर्क कहीं बहुत से है, मांगने नहीं पड़ेंगे? ना मंगने की लोड़ ही नहीं, अपने 10 दिन बाद पैसे आ जाने, बैंक वाले आपकी मिनते करते हैं, मैं सुना कि लोन करवा लो, वो तो कहते नहीं बहुत भी कराओ, वैसे कोई चलो पहला जी ने कराया थी कराए ने, हूं तो वैसे चलता वधिया करवाता चले, भी वो तो नहीं। लोड़ ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम लवप्रीत सिंह जी, लवप्रीत सिंह। मेरा भी डेयरी उसका फार्म, भी डेयरी फार्म बहुत आपका भी बढ़िया डेयरी फार्म है? आपका कितने पशु हैं? मेरे पास है, 50 से ऊपर ही 50 से ऊपर है। कितना दूध हो जाता है? मेरे पास हो जाता है, 9.5 क्विंटल, कितना? 9.5 क्विंटल, साढ़े तीस नौ तीस क्विंटल गाय दस अच्छा, गाय तो कुछ सरकार से मदद मिली थी? मैंने एक बार लोन करवाया था 21 लाख का, अच्छा, पूरा हो गया? वो कितने पूरा हो गया टाइम में कर दिया 3 साल में, आपका? आपने भी मेरा ही करवाया पहले था? बात 3 साल पहले ही कराया थी, तो 2006-07 के कराया थी, तब कितना करवाया था? मैं 22 लाख का कराया दिया, हाँ पूरा पूरा हो गया, हो जदे करता थी, हाँ पूरी चढ़ दी कला है बढ़िया बढ़िया, भाई। बिल्कुल यार, बहुत देखो, किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है ये। हमारे पंजाब के सूरवीर योद्धे हैं जो किसी के आगे मोहताज नहीं है, किसी सरकार के आगे मोहताज नहीं है, अपनी मेहनत करते हैं और करोड़ों में खेलते हैं। तो आप भी सीखो इनसे कुछ। और इन्होंने एक मिसाल काम की है, पंजाब में श्वेत लहर चलाई है और कामयाबी के साथ में देश में हरित क्रांति चलाई, तब अनाज से भर दिया, जब श्वेत क्रांति चलाई तो दूध से भर दिया। ये है असल में अन्नदाता। हमको इनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। सरकारों को भी इस बात को समझना चाहिए कि इनकी मनोभावना और इनकी जो मदद समय पे जिस तरीके करनी चाहिए वो करनी चाहिए। सियासी लाभ नहीं लेना चाहिए, ये अन्नदाता हैं, ये पूरा पेट पालते हैं हम लोगों का।
तो शरण जी के हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज हमको 70 से भी ऊपर लीटर दूध वाली गायों की मिल्किंग करके दिखाई है। बहुत भारत के राज्यों में हम गए हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह, लेकिन ऐसा माहौल हमको कहीं देखने को नहीं मिला है। बहुत लोग कहते हैं कि मिल्किंग करवा के दिखाओ तब मानेंगे, 40 से अधिक लीटर दूध देती नहीं है, आप करवा दी सामने, अगर आप भी नहीं मानोगे तो आपकी सोच का दायरा है। जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।